हमने कंपोजिट सप्लाई देख लिया, कंपोजिट सप्लाई जैसा सही मिक्स सप्लाई है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, वहां पे नेचुरली बंडल थे, यहाँ पे नेचुरली बंडल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हर कोई उसको ऐसे ही सेल कर रहा है, या वो आपस में दूसरे के साथ सेल होना जरूरी है उनका, वो सेपरेटली सेल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या बात करता हूँ, ये फोटो देखते हैं, क्या क्या दिख रहा है इसमें, काफी कुछ दिख रहा है ना। देखते हैं, जैसे ये आपने कुछ सैशे रख दिया, ये चॉकलेट्स रख दी, यहाँ पे अलग चॉकलेट्स आ गई, यहाँ पे आपके कुछ और कुकीज आ गई, तो अलग अलग चीज होगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी एग्जांपल लेते हैं, फेस्टिवल टाइम होता है, दिल्ली का दिवाली का टाइम होता है, तो दिवाली के टाइम पे क्या होता है, आपके पास ना मार्केट में स्वीट्स के बॉक्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों का कम्बिनेशन होता है। जैसे मैं बात करता हूँ हल्दीराम बीकानो, इनके आते हैं पैकिंग, तो कई पैकिंग में क्या होता है, उसमें नमकीन भी होती है, आपके स्पंजी रसगुल्ले भी होते हैं, और नमकीन के साथ बिस्किट वगैरह, इस तरह की कई चीजों का वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो इस तरीके की चीजों का कॉम्बिनेशन बना, क्या वो ऐसे ही सेल होती है क्या, नेचुरली बंडल है क्या? नहीं, वो आपने स्पेशली अपने हिसाब से सेल करा है, तो नेचुरली इस तरह से बंडल नहीं थे। इस केस में आपको पता है कौन सा टैक्स रेट लग जाएगा, जो भी हाईएस्ट रेट होगा वो वाला टैक्स रेट लग जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब एक कंपनी के लिए सोचो, कंपनी पहले तो क्या कर रही है कि बहुत अच्छा पैकिंग बना रही है, ऐसी पैकिंग सोच रही है कि जो ना कॉस्ट भी कम हो, जो कस्टमर को अच्छा भी लगे, कंपटीशन भी मेरा बियर करे, कस्टमर को भी सब कुछ अच्छे से एक ही पैकिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए उसको, इतना सब कुछ सोच लिया, सब कुछ सोच लिया। बाद में जब सेल करने आए ना, वहां पे सीए ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, इसके अंदर ना एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं रेट देखने पड़ेंगे, ऐसे एग्जैक्ट रेट नहीं ले रहा हूँ, तो सिंपल मान के चलते हैं कि उसमें ना सारी चीजें, जैसे मैंने रखी नमकीन, रखी मैंने बिस्किट्स, रखी मैंने रसगुल्ला रखा, ये सब चीजें थी 5% के रेट पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब 5% के रेट पे, इसकी टोटल वैल्यू होगी 200 रुपीज। मैंने उसमें 10 रुपए की एक चॉकलेट रख दी, मैंने कहा कि ठीक है साथ में चॉकलेट भी होनी चाहिए 10 रुपीज की। उस चॉकलेट के ऊपर जीएसटी का रेट मान लिया कि था 18% का, ठीक है, मैं सिर्फ एजम्पशन ऐसे लेके चल रहा हूँ, रेट देखने होंगे तो मैं बताऊंगा जीएसटी रेट कैसे देखते, वहां से देखना आराम से। सो उसके ऊपर कितना 18% का मैंने क्या कह दिया आपको, जीएसटी का रेट आ गया चॉकलेट पे। अभी क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजों पे 5% की जगह कितना टैक्स चार्ज हो जाएगा, 18% हो जाएगा। उस चॉकलेट के कारण आपकी कॉस्ट जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए अच्छा है कि उस चॉकलेट को आप क्या कर दो, हटा दो। क्यों, 200 के ऊपर मैं अगर वो चार्ज कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल 5% चार्ज कर रहा था, जितनी वैल्यू आएगी उससे ज्यादा तो चॉकलेट के कारण मेरी वैल्यू बढ़ गई है, तो यहाँ पे मुझे देखना रहेगा कि चॉकलेट हटा देता हूँ तो सिर्फ 200 के ऊपर 5%, और अगर चॉकलेट रख देता हूँ तो अभी कितना 210 के ऊपर 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो चॉकलेट नहीं लगानी है। सो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी रहेगी, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। बस इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या था, कंपोजिट वाले में और इसमें, कंपोजिट वाले में ना नेचुरली बंडल था, वो हर कोई ऐसे सेल करता है, वो आपस में साथ में सेल होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मेरी मर्जी से हुआ है ये सब, क्लियर है? नोट इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, बाकी एप्लीकेशन में आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे वो सब मिल ही जाएगा, नोट्स हैं वहाँ से, आप बाद में आराम से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कवर होता है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।